हाँ तो दोस्तों नमस्ते प्रणाम। आपके अपने बीपीसी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो ये क्रेश कोर्स का डे 13 है और कोको कोला सीरीज का पार्ट 9 है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए दिया हुआ है कि 2 sin² 63 डिग्री, 2 sin² 63 डिग्री प्लस 1 और प्लस 2 sin² 27 डिग्री, बटा में 3 cos² 17 डिग्री, माइनस 2 और प्लस 3 cos² 73 डिग्री, बराबर में 3 आपको लाना है, यानी सिद्ध करना है आपको इतना बराबर इतना। तो सबसे पहले आंसर लिखकर सॉल्यूशन लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा LHS से। क्या लिखिएगा? LHS से। देखिए तो LHS में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि 2। LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड यही है, तो इस तरह वाला लिख देंगे कि 2 sin² 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin² 27 डिग्री, ठीक। अब बाटा में लिखेंगे कि 3 cos² 17 डिग्री आ माइनस 2 आ प्लस 3 cos² 73 डिग्री, यही दिया है LHS में। अब देखिए हम जानते हैं कि इसका हम सूत्र को बताए थे का साइन का रिलेशन किससे बनता है जी, तो कॉस से बनता है, 90 माइनस थीटा वाला में, पूरा कोण वाला में। तो देखिए तो इसको यदि कॉस कर देंगे, को कॉस कर देंगे तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ये कॉस हो जाएगा तो इधर 63 डिग्री है, 63 डिग्री। यदि थीटा यहाँ पर सेम हो जाएगा दोनों, तो एगो कॉस हो जाएगा, एगो साइन हो जाएगा, और दोनों स्क्वायर में है तो क्या हो जाएगा, माने एक हो जाएगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर एक हो जाएगा। तो देखिए देखते हैं, तो 2 sin² 63 डिग्री को चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, sin² 90 डिग्री या माइनस 27 डिग्री। देखिए तो 90 में से 27 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, और sin² का sin² ही किया है। आज सूत्रों पर हो गया, sin² 90 माइनस थीटा बराबर cos² थीटा, और थीटा की जगह पर 27 डिग्री आ गया, 27 डिग्री यहाँ पर भी है, हमें इसके बराबर लाना ही था, बाकी जो बचा है उसे लिख देंगे। अब देखिए नीचे भी एक को चेंज करेंगे, या इसको चेंज करिए या इसको चेंज करिए। तो फिर देखिए इसको चेंज करते हैं, 3 cos² और 90 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे, 73 डिग्री। हम आपको बताया थे कि इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन मिलेगा तो आपको जितना भी नंबर, जितना भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा उसमें से किसी का, किसी न किसी का पूरक कोण बनेगा। तो देखिए 70 और 73 जुड़ेगा तो 90 होगा, यानी ये दूसरे का है, पूरक कोण है, तभी असूत्र लगेगा। तो इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो एक दूसरे का पूरक होगा, चाहे वो कितना भी लंबा क्वेश्चन हो। देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin² 90 माइनस थीटा बराबर cos² थीटा, तो cos² 27 डिग्री हो जाएगा, प्लस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस 2 है तो प्लस 2, और sin² 27 डिग्री है तो 27 डिग्री। बाटा में है ना जी, तो बाटा दीजिए, मेन बाटा है तो मेन बाटा, और 3 का हो जाएगा cos² 90 माइनस थीटा बराबर sin² थीटा, यानी sin² 73 डिग्री माइनस 2 और प्लस में 3 cos² 73 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक सूत्र बैठ रहा है कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1, या sin² थीटा और प्लस cos² थीटा बराबर 1, यानी देखिए यहाँ पर एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos² थीटा अब प्लस 2 sin² थीटा है, तो लिख सकते हैं कि 2 × 1, क्योंकि cos² थीटा अब प्लस sin² थीटा बराबर 1 होता है, और 2 है तो 2 × 1 हो जाएगा, अब प्लस में 1 है तो 1 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 3 sin² थीटा अब प्लस 3 cos² थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा इसका भी, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 2 है तो माइनस 2 रख दीजिए। यहाँ पर देखिए तो 2 × 1 = 2 और प्लस 1 3 × 3 = 3, हमें से 2 जाएगा 1, यानी 3 इसका आंसर आ गया आपका। इसका आंसर कितना आया, 3, यानी आपका RHS आ गया, क्या आ गया, RHS। तो लिखिएगा कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, LHS इक्वल टू, यहाँ पर LHS आ गया ना जी, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। तो आपने देखा कि कितने सरल तरीके से हमने सॉल्व किया इसे, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लिखिए सॉल्यूशन LHS से, LHS से क्या दिया हुआ है, 2 sin² 63 डिग्री या प्लस 1 और प्लस 2 sin² 27 डिग्री, बटा में 3 cos² 17 डिग्री या माइनस 2 और प्लस में 3 cos² 73 डिग्री।
तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रिलेशन होता ही है, और ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, यानी पूरक कोण है दोनों कोणों का जोग। तो इस दोनों में से किसी को आप चेंज कर सकते हैं, इसको भी इसको भी। तो दोनों में से एक ही को चेंज करना है, दोनों को नहीं करना है। दोनों का चेंज करिएगा तो फिर आपका आंसर नहीं आ पाएगा। तो आप इसको ठीक एक दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यदि एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि टेन 50 डिग्री या प्लस सेक 50 डिग्री। टेन 50 डिग्री या प्लस सेक 50 डिग्री, बटा में कॉस 40 डिग्री या प्लस कॉसेक 40 डिग्री, प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री। ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आपका मान निकालना है। इसका क्या निकालना है मान? तो सबसे पहले आप लिखिएगा एंसर, क्या लिखिएगा? सबसे पहले आप लिखिएगा एंसर, यहाँ पर लिखिएगा सॉल्यूशन। ठीक, और जो दिया हुआ है सबसे पहले देखिए, ये टेन 50 डिग्री प्लस सेक क्या है? 50 डिग्री। तो टेन 50 और सेक 50, इसका तो रिलेशन नहीं बनता है, और 50 50 सय होता है, ये थी पूरक एक दूसरे का भी नहीं है। तो देखिए, तो टेन के साथ कॉट का रिलेशन बनता है, और 50 40 90 यानी ये एक दूसरे के पूरक है। सेक का कौशेक के साथ रिलेशन बनता है, और 50 40 90 ये एक दूसरे के पूरक है। और ये तो कॉस 40 का हो जाएगा साइन, साइन और कौशेक का एक रिलेशन बनता है ना इंटू में, तो साइन और कौशिक इंटू एक हो जाएगा। तो ये तो हो गया, ये भी कट जाएगा एक एक का एक, इसका आंसर दो आएगा। अभी हम लोगों को मालूम चल गया, लेकिन सॉल्व देखिए कैसे करेंगे। तो सॉल्व करते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ऊपर वाले को बदलेंगे तो ऊपर वाले का लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं, अब प्लस सेक 90 डिग्री या माइनस 40 डिग्री। अब देख सकते हैं ऊपर वाले को, टेन 90 में से 40 जाएगा तो कितना आएगा? 50 आएगा, तो टेन 50 आ गया। अच्छा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा, तो कॉट थीटा आ गया। इतना आ गया ना, जो नीचे दिया हुआ है उतना ऊपर आपका आ रहा है कि नहीं, बस यही आपको चेक करना है। अब देखिए बाकी जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से भी एक को चेंज करेंगे तो कॉस को चेंज करना है, तो क्या लिखेंगे? कॉस, यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं, देखिए नीचे लिख रहे हैं, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? 90 में से 50 जाएगा 40, और कॉस का कॉस, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी साइन 50 डिग्री। साइन और कॉसेक का रिलेशन होता है, थीटा का मान भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए कॉसेक 50 डिग्री। ठीक, अब देखिए टेन 90 या माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी? तो कॉट थीटा, तो लिखिए कि कॉट 40 डिग्री, कॉट 40 डिग्री, अब प्लस में सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा, तो कौशिक 40 डिग्री, कौशिक 40 डिग्री। अब देखिए बटा में, बटा में जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए, कॉट 40 डिग्री आप प्लस में कौशिक 40 डिग्री आ गया। प्लस में यहाँ पर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा पर रखा होता है साइन थीटा, तो लिखिए कि साइन थीटा की जगह 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री इंटू इंटू में क्या है? कौशिक 50 डिग्री, तो लिख दीजिए कौशिक 50 डिग्री। तो देखिए तो कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम है, कट गया कितने टाइम में? 1 टाइम में, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, 1 का 1 बराबर 2। ये आपका आंसर आ गया। एकदम सिंपल सवाल था, जो ये नहीं बना पाएगा समझिए कि कोई भी मैथ नहीं बना पाएगा, क्योंकि एकदम सिंपल सवाल था। आपको इसका सूत्र भी पीछे वीडियो में बता दिया गया, आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये क्रेश कोर्स चल रहा है, और क्रेश कोर्स में ये पार्ट 9 है कोको कोला सीरीज का, यानी क्वेश्चन का पार्ट 9 चल रहा है त्रिकोणमिति का। तो अब जाकर पीछे वाले सब पार्ट, अब यदि आप किसी भी पार्ट को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और इसका आंसर 2 आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।